वैसे तो हम डस्टबिन को खाली करने के लिए उसको उल्टा कर देते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसा डस्टबिन बनाएंगे जिसको उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी कर दें, उसमें से कचरा बाहर ही नहीं निकलता, और उसका नाम है सेंट्रीपिटल डस्टबिन। इसको बनाने के लिए हमें ये शीट, रबर बैंड, मोटर, बैटरी होल्डर, पेपर कप और थोड़ा सा ग्लू चाहिए। हमारा ये सेंट्रीपिटल डस्टबिन बनकर तैयार है। अब कचरा इस ग्लास में डालकर हम मोटर को ऑन कर देते हैं। अब इसको कैसे भी घुमा लें, कचरा ग्लास से बाहर नहीं निकलता। अब सोचने वाली बात यह है कि कागज के पीसेस डस्टबिन की वॉल से क्यों चिपक जाते हैं। कोई भी चीज तब तक सीधी डायरेक्शन में जाती रहती है जब तक उस पर कोई और फोर्स ना लगे। अगर हम इस बॉल को एक सर्कल में घुमाना चाहते हैं तो हमें सेंटर की तरफ एक फोर्स लगाते रहना पड़ेगा, और यही फोर्स हम एक डोरी की हेल्प से भी लगा सकते हैं। जब हम बॉल पर डोरी बांधकर घुमाते हैं तो वो इसीलिए गोल गोल घूमती है क्योंकि डोरी बॉल पर हमेशा सेंटर की तरफ एक फोर्स लगाती रहती है, और जैसे ही फोर्स लगना बंद होता है बॉल सीधी चलना शुरू कर देती है। हर ऑब्जेक्ट की ये टेंडेंसी होती है कि वो जिस स्थिति में है उसी में रहना चाहता है। अगर वो चल रहा है तो चलते ही रहना चाहता है, अगर रुका हुआ है तो रुके रहना चाहता है। इसी को हम इनर्शिया या जड़त्व कहते हैं। यानी अगर इस धागे को छोड़ दें तो ये बॉल किस डायरेक्शन में जाएगी, इस पॉइंट पे छोड़ा तो इधर जाएगी, इस पॉइंट पे छोड़ा तो इधर, इस पे छोड़ा तो इधर। मतलब जहां पे भी छोड़ा उस पॉइंट पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाएगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि किसी भी वस्तु को सर्कल में घुमाने के लिए हमें सेंटर की तरफ एक फोर्स लगाना जरूरी है। इसी को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। हमारे डस्टबिन के केस में भी कागज के टुकड़े सीधे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डस्टबिन की दीवार उन पे सेंटर की तरफ एक फोर्स लगाती है और वो सर्कल में घूमते रहते हैं। इसी फोर्स की वजह से कागज और डस्टबिन के बीच में फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाता है, इसलिए डस्टबिन को उल्टा करने पर भी कागज डस्टबिन से बाहर नहीं गिरते। और ऐसा ही इस बुक के केस में भी हो रहा है। जब हम इस बुक पे कम फोर्स लगाते हैं तो ये स्लाइड हो जाती है। जब हम ज्यादा फोर्स लगाते हैं तो बुक और दीवार के बीच का फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाता है और ये स्लाइड नहीं होती। इसी तरह की फीलिंग हमें कार में किसी मोड़ पर भी आती है। जब टर्न आता है हमारा शरीर सीधी लाइन में जाते रहना चाहता है, लेकिन कार का डोर हमें टर्न के अराउंड जाने के लिए पुश करता है। इस सेंट्रीपिटल डस्टबिन को देखकर पंकज की बचपन की यादें भी ताजा हो गई। उसने बताया कि जब वो बचपन में दूध लेने जाता था तो दूध से भरी डोली को ऐसे ही घुमाते हुए लाता था, लेकिन कई बार गड़बड़ हो जाती थी और दूध बिखर जाता था और बहुत डांट पड़ती थी। लेकिन फायदा ये हुआ कि पंकज को सेंट्रीपिटल फोर्स की समझ अच्छे से हो गई। तो आप भी सेंट्रीपिटल फोर्स लगा के अलग अलग चीजें घुमाते रहिए और डांट पड़े तो डांट भी खाते रहिए।